बनके बारिश जो है मुंबई तो आपको पता ही है फेवरेट मानसून का हम लोग वेट करते हैं जितने भी हम मुंबई महाराष्ट्र हैं कि मानसून आए फिर हम लोग घूमें फिरें क्योंकि धूप और गर्मी से इतना परेशान हो जाते हैं मानसून। तो इसको देख के ही हम लोगों ने अल्ताफ भाई ने ये गाना डिसाइड किया था हम लोगों ने आज से 4 महीने पहले कि मानसून के टाइम पे हम गाने को रिलीज़ करेंगे और जो गाना है ये मानसून से रिलेटेड ही है और बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी स्टोरी है ये एक कपल के बीच में इनका और मेरा। तो शुरू से हम लोग अल्ताफ भाई और मैं ऐसे ही गाने सेलेक्ट करते हैं। तू मेरा सनम जो गाना था इससे पहले उसमें भी बहुत प्यारी सी रोमांटिक सी स्टोरी थी और बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था वो। तो यही हम लोगों ने अभी 5 साल मुझे 4 से 5 साल लगे इनके साथ दोबारा काम करने के लिए। तो आप कैन यू इमेजिन, तो 5 साल में सिलेक्शन मेरे को चाहिए था कि बेस्ट ही हो। एक हम सुपर डुपर हिट दे चुके हैं तो अभी भी जो दूसरा गाना आएगा वो भी सुपर डुपर हिट ही होना चाहिए। तो बन के बारिश एक दिन जम के तुम मुझ पर बरसो ना बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है। मैं तो बोलता हूँ ऑडियो तो आप प्लेटफॉर्म पे यू कैन चेक, जितनी भी हमारी ऑडियंस है वो बहुत प्यार दे रही है इस गाने को। बस अब वीडियो का टाइम है, वीडियो रिलीजिंग पे और सुपर दुपर धमाल करने वाला है। अल्ताफ भाई इसके सिंगर हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। एक्चुअली आज से 3 महीना पहले 3 to 4 months पहले हम लोग की बात हुई थी कि एक गाना तो करते, बहुत दिनों के हम लोग साथ में गाना नहीं किए। एक गाना हमने किया था नैनो की बात ना जाने, वो बहुत चला था। उसके बाद फिर हमने सोचा था कि एक सॉन्ग ऐसा करते हैं जो अब वैसा ना हो, कुछ और हो, डिफरेंट हो। तो हमको लगा कि बारिश आने वाली है और मेरा हर साल बारिश में एक सॉन्ग होता है। इसके पहले भी एक इश वाली बारिश था और बारिश में मेरे सॉन्ग, एक सॉन्ग तो बारिश का मैं करता ही हूँ। तो मैंने सोचा इस बार बारिश वाला सॉन्ग जीत के साथ कर लेते। तो और मेरी जो वॉइस है, मेरा जो टेक्सचर है वो जीत के पर्सनैलिटी भी सूट करता है बहुत, मतलब ही लुक्स मोर रोमांटिक इन माई वॉइस। तो मैंने सोचा चलो ये बारिश वाला गाना एक रोमांटिक सॉन्ग है तो इसमें ये वाला गाना जीत के साथ करते, और गाना बहुत अच्छा हुआ। बट गाने को टिपिकल हमने नहीं रखा, मतलब जो स्लो नहीं रखा इसको, मतलब थोड़ा सा पेपी सॉन्ग है, थोड़ा सा म्यूज़िक इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है और साथ में इसका म्यूज़िकल ट्रीटमेंट भी हल्का सा ऐसा किया है कि थोड़ा सा कोई डांस भी छोटा मोटा कुछ कर सकता है, छोटे मोटे स्टेप्स कोई कर सकता है, मतलब इस टाइप का इसको रखा। ये लोकेश हमारे बड़े भाई हैं, सबसे पहले मैं इनकी तारीफ करना चाहूँगा थोड़ी सी, इनका बहुत बड़ा हाथ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं इंडस्ट्री में जो बैकहेंड द कैमरा बहुत सपोर्ट करते हैं, ये लोकेश भाई हमारे बड़े भाई हैं, इनका आशीर्वाद बहुत है। देखो छोटे भाई की तरह हैं, मैं तो अपने भाई को सपोर्ट करने आया हूँ। और खास तौर से क्या है कि जनता को गाना पसंद आता है, पब्लिक को पसंद आता है तो वैसे ही सुपर डुपर हिट हो जाता है। लेकिन ये गाना मैंने पूरा देखा है, जीत ने और निकिता ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है और अल्ताफ जी ने बहुत सुंदर गाना गाया है और डायरेक्टर जो है नरेंद्र जी, उन्होंने बहुत प्यारा शूट किया है। आप देखेंगे लोकेशन इतनी प्यारी प्यारी है, आपको आंखों को देख के बड़ा सुकून सा मिलेगा। तो गाने का नाम भी वैसे रखा गया बारिश की, बन के बारिश। तो बेशक जब मौसम बड़ा प्यारा होता है और फिर गाना बड़ा सुंदर होता है तो आपको सुकून मिलता है। तो खास तौर से बरसात तो सब इस मौसम में हर जगह ही होती है धीरे धीरे कहीं ना कहीं, लेकिन इस गाने को सुन के ऐसा लगेगा कि बरसात ना भी हो रही तो हो हमको अच्छा लगे। और मेरे जो छोटे हैं बिल्कुल बड़े प्यारे हैं, सब बड़े अजीज हैं, तो मेरी शुभकामनाएं इनके लिए और मेरी हमारी देश की प्यारी जनता से रिक्वेस्ट है कि इस गाने को देखें और देख के अपना प्यार दें, क्योंकि हम लोग कहेंगे भी कि आप अपना प्यार दें लेकिन प्यार आप तभी देंगे जब गाना अच्छा होगा। और वाकई गाना बहुत सुंदर है, बड़ा प्यारा गाना है, आपको अच्छा लगेगा और आवाज़ बड़ी प्यारी है, सबने एक्ट बड़ा प्यारा किया है, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी सबसे। अच्छा बढ़िया बोले आप। ये हमारे अनदर डायरेक्टर हैं और हमारे बड़े भाई हैं, जल्दी हम लोग फिल्म भी करने वाले हैं, ऐसी बोल देता हूँ, क्या पता बोले बुलाए में फिल्म करने। मुझे मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, मैंने भी गाना देखा और बेसिकली मैं कोरियोग्राफर हूँ, कई गाने कोरियोग्राफ कर चुका हूँ। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गाना बहुत अच्छा है, DI बहुत अच्छा हुआ है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है और जैसा कि लोकेश भाई ने बोला कि लोकेशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है, शिमला की लोकेशंस जो है बड़ी खूबसूरती से उसको पिरोया गया है गाने में। और अल्ताफ जी का म्यूज़िक है और जीत भाई को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, गाने को देख के जीत भाई और जो निकिता की केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी लग रही है गाने में, तो अच्छा लगा गाना। और मैं सिर्फ दुआ करूँगा कि ये बन के बारिश की पूरी टीम को ऑल द बेस्ट बोलूँगा और ये गाना आप लोग देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और इसको सुपर डुपर हिट करिए बस। और मैं एक बात, और इसलिए नरेंद्र जी ने बहुत ही अच्छा शूट किया है, नरेंद्र गेड़िया जो हमारे डायरेक्टर हैं, सब ने अपने अपने बेस्ट जान डाल दिया। एक सितारा था, फिर सितारा हुआ, फिर सितारा हुआ, फिर वो चांद बन गया, बेसिकली गाना हमारा ही हुआ। सब लोगों ने बहुत ही बहुत बहुत प्यारा गाना, बहुत प्यारा गाना, बहुत प्यारा गाना, बन के बारिश के लिए तालियां।
एक्साइटेड है? मैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये मेरे वो क्लोज भी है शायद इसलिए क्योंकि मैं उत्तराखंड से ही हूँ, मैं पहाड़ों से हूँ, मैं नेचर को बहुत लव करती हूँ, बहुत क्लोज हूँ, आई एम वेरी क्लोज टू नेचर. तो इस वीडियो में नेचर भी दिखाया है, बहुत क्यूट कपल्स भी दिखाए गए हैं और हमारे पूरा ये प्रोडक्ट जो बनाने के लिए सब लोगों ने अपने अपने एंड पे बहुत बहुत मेहनत करी, चाहे वो नरेंद्र सर हैं, चाहे अल्ताफ सैयद है, हरीश जी भी हमारे लाइन प्रोड्यूसर हैं जो शिमला के हैं, उन्होंने बहुत हमारी सब ने बहुत हेल्प करी. शायद ये सब अगर मिलके इतना कुछ, मतलब हम कम ही लोग मिलके इतना कुछ किया है, तो मुझे लगता है और ग्रुप जुड़ेगा और स्ट्रेंथ बढ़ेगी और अच्छा होगा, तो और हम कुछ अच्छा निकाल के लाएंगे. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. लेट्स सी. इस पोस्टर के बारे में मतलब मुझे लगता है कि शायद मैंने इसमें कोई दिमाग नहीं लगाया. ये नेचुरली जब आप मतलब एज एन आर्टिस्ट जब आप कैरेक्टर में होते हो, तो मेरा कैरेक्टर ये था कि मैं अपने को एक्टर, ही इज़ माई पार्टनर, मेरे उसके साथ इमोशंस हैं. तो जब ये मेरा पोस्टर बन रहा था तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे ऐसा करना है, हम दोनों का कोई प्लान नहीं था. ये हमारा अपने आप से आया, वो इमोशंस हमारे अपने आप से निकल के आए, सारी चीज़ों को लेके गाने को सुनकर अपने आप अपने जो रिएक्शंस एक्शंस थे वो निकल के आए. अल्ताफ जी 5 साल क्यों लगा दिया? जब सॉन्ग हिट हो जाता है तो लोग बैक टू बैक आ जाते हैं, लेकिन आपने 5 साल क्यों लगा दिया? नहीं, एक्चुअली हुआ ऐसे था, आफ्टर तू मेरा है सनम मैं कुछ और टीम के साथ बिजी हो गया, ये कुछ और टीम के साथ बिजी हो गया, तो हम लोग का वो कॉम्बिनेशन हो नहीं पा रहा था. एक दो बार सोचा भी था हमने, मतलब हम लोग की बात भी होती थी कि चलो कोई गाना करते हैं, बट कुछ ऐसा कुछ कोई सॉन्ग ऐसा लग नहीं रहा था कि जो हम दोनों साथ में और कर ऐसा, सके. ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने हिट सॉन्ग नहीं दिए उसके बाद, दिए हैं बट अलग अलग सिंगर के साथ. जैसे इन्होंने अपने अलग टीम के साथ दिए हैं, मैंने शान दादा के साथ किया, अरमान मलिक के साथ किया है, मोहम्मद इरफान के साथ हिट दिए, तो ऐसे हम लोग अलग अलग जगह पे भी हिट दे रहे हैं. साथ में आफ्टर 5 ईयर्स हम लोग दोबारा हिट दे रहे हैं. जेआरडी मोशन पिक्चर, ये जेआरडी मोशन पिक्चर जो है ये मेरी ड्रीम था कि मैं अपने नाम से कंपनी, क्योंकि मेरे फैमिली वालों ने इतना प्यारा मुझे जो नाम दिया जीत, तो मैं चाह रहा था इस नाम को थोड़ा और ऊंचाइयों पर लेके जाऊँ. तो मेरा ड्रीम था कि मैं जीत राय दत्त जो मेरा नाम है उसके नाम से मैं प्रोडक्शन हाउस ओपन करूँ. तो जेआरडी जो देख रहे हैं आप, जेआरडी मोशन पिक्चर, इसका नाम यही मतलब यही है, जीत राय दत्त. और इसमें मेरे जो ग्रेट ग्रैंड फादर हैं दत्त साहब जी और जो राय जी हैं वो मेरे ग्रैंड दादाजी हैं, तो उन सबको मैंने फैमिली को अटैच किया साथ में, तो जीत राय दत्त इट्स बिकम. इनका एक और भी है सर, इनके जो दादाजी हैं पिताजी हैं उन्होंने कहा था बेटे तुम्हारा गाना हिट हो जाए तो एक नीचे नंबर छोड़ना, एक नंबर छोड़ना उस पे, और नंबर पे मैसेज छोड़ना कि शिमला सबको घुमाए. तो जैसे गाना हिट होगा तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस छोड़ सकते हैं, टिकट और आने जाने खर्चा इनका पूरा. बिल्कुल बिल्कुल. वो हरीश जी तो है ही, ये अगर वीडियो देखे हमारे लाइन प्रोड्यूसर शिमला लाइन प्रोड्यूसर है, इनका नाम होगा पीछे. आपको मतलब गाने में बारिश का जिक्र है, बारिश का मौसम है, बारिश कितना पसंद है आपको? बारिश मुझे बहुत पसंद है, जब से मैं मुंबई आया हूँ बारिश मुझे बहुत पसंद है, और मैं बेसिकली उत्तराखंड से रहने वाला हूँ देहरादून से, तो मुझे ठंडा वातावरण वैसे शुरू से ही पसंद है, गर्मी मेरे को सूट नहीं करती. छतरी इसलिए दे रखी है कि मोस्टली आप गाने सुन रहे होंगे आजकल बारिश पे जितने भी आ रहे हैं उसमें बारिश रहती है गाने में, तो हम लोगों को थोड़ा अलग दिखाना है. छतरी इसलिए लिए ताकि हीरोइन ना भीगे. और छतरी बहुत और छतरी बहुत जरूरी है जीवन के लिए, सेफ्टी बहुत जरूरी है. इसमें ऐसा है कि ये पूरे गाने में बोलते रहते कि बनके बारिश तुम उस पे बरसो ना, तो वो बरसती नहीं है, तो वो लेकिन ये इतने ऑप्टिमिस्टिक है और इतना पॉजिटिव माइंड है इनका कि उनको पता है कि एक दिन ये बारिश बनके मुझ पे बरसने वाली छाता पहले से इंतजाम करके वो लास्ट में गाने में बारिश हो जाती है, तो बारिश आखिरकार हो जाती है, वो बरस जाती है इनपे. गाने का वो लिरिक्स पूरा वैसे ही रखा हुआ, तो वैसे रखा है जी. पोस्टर में या गाने में? पोस्टर में, गाने में भी. पोस्टर अच्छा, बारिश को लेकर. बारिश तो मतलब मुझे लगता है मोस्टली हर एक का फेवरेट होगा कि मतलब बारिश होना, भीगना, हर किसी को मुझे लगता है मोस्टली हर किसी को पसंद है, चाहे वो लड़का लड़की हो, बूढ़े हो, जवान हो, क्योंकि बारिश में जो एक सुकून मिलता है, सुकून मिलता है ना, वो कुछ अलग ही होता है. चाय पकौड़े इन दोनों गारंटी मैं ले सकता हूँ. ये बरसात के मौसम में क्या करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में हम लोग भी रह रहे हैं, सब रेंट पे रहते हैं कहीं ना कहीं सब लोग, तो ये बरसात के मौसम में छोड़ देते घर टेरिस पे, बोल टेरिस पे देते हैं खाली, बस ओपन
चाय वाय पीते हैं पकौड़े, चाय के लिए थ्री बंदर, बाकी सब टेरिस पे। चाय को एक्सपीरियंस बताइए जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस वो बताइए, आपने के साथ काम किया क्या मस्ती हुई उधर? मस्ती तो वैसे थोड़ा कम हुई, डांटा ज्यादा मैंने इसको शूट पे, क्योंकि मैं चाह रहा था और बेस्ट करे ये इसका, सच ही बताना मीडिया छुपाना नहीं। मस्ती होती तो शूट नहीं हो पाता फिर। बॉलीवुड में पहला सॉन्ग है बॉलीवुड, वैसे आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट बेसिकली, मैं थिएटर से ज्यादा जुड़ी हुई हूँ, तो मीडिया में आप कह सकते हैं कि मेरा पहला सॉन्ग है, मतलब इससे पहले किए हैं बट थोड़ा अच्छा जो मुझे लगता है वो ये प्लेटफॉर्म में मुझे मिला है। और इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर थे या सिंगर हैं या को एक्टर है, दे आर ऑल एक्सपीरियंसड, ये सबके सब बहुत एक्सपीरियंस थे और मैं कहीं ना कहीं शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं थी। उसके बाद भी मुझे बहुत अच्छे से कोऑपरेट मिला वहाँ पे, चाहे वो डायरेक्टर हो को एक्टर हो, उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील करवाया और इतना फ्री कि मुझे मतलब जो मैंने इतने सालों से सीखा है एज एन आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट, तो वो वहाँ पर मैं परफॉर्म कर पाई। आपको डांट भी लगी क्या लगी? इनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, पूरी पूरी लिस्ट बना के आए क्वेश्चंस की। बॉटल नहीं डांट, हाँ मतलब थोड़ा सा, क्योंकि वही मैं चीज बता रही हूँ, मैं सबसे छोटी भी थी वहाँ पे और थोड़ा सा नई भी थी, तो कुछ चीज़ें होता है कि मुझे नहीं समझ में आता, तो मेरा प्रॉब्लम है अगर मुझे चीज़ समझ में नहीं आता तो मैं बार बार क्वेश्चंस करती हूँ ये क्या है क्यों। वैसे भी इस इंडस्ट्री में क्या होता है, सीनियर जो होता है ना बिना वजह भी डांट ही देता है जूनियर को, वो हैबिट में शामिल होता है। नहीं ये इंडस्ट्री का रूल ही है। नहीं नहीं वैसे आपको बिना डांटा नहीं नहीं थोड़ा देखो सीनियर जूनियर का तो सालों से चला हुआ रहा है, तो थोड़ा मैंने कहा मैं अभी ये नए है तो नए पे आदमी ज्यादा जमा लेता है ना, तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा डरा लो थोड़ा सा, बाकी स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो काम अच्छा नहीं। हाँ और आप देखो ना डांटने का मतलब, माँ बाप डांटे तो भी बंदा सक्सेस होता है, एक्टर अपने को एक्टर को डांटे तो वो भी सक्सेस होता है। आप गाना देखो कितना हिट बना, को एक्टर की तरह नहीं माँ बाप की तरह फर्ज निभाया वहाँ पर। मैं पापा हूँ। ये रील्स तो देखो जो रील्स बनाने वाले हैं उनको पसंद आएगी तो उस पर निर्भर करता है, हम तो कितनी रील्स बना लें ये तो हमारी खुद की रहेंगे, रील्स वाले रील्स बनाए गाने के ऊपर। हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे सबसे के गाना बहुत अच्छा है, जो पार्ट आपको अच्छा लगे उस पर रील्स बनाओ। अभी तो वैसे देख रहा हूँ मैं जो रिस्पॉन्स है इंस्टाग्राम वगैरह पे प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा रील बन रही है बहुत, लेकिन ट्रेजेडी हमने ये किया है प्लान जो प्रमोशन का है ये कि हमें अभी ये टीम में काम करना है, बॉलीवुड में सबकी टीम है तो वाई नॉट अस, हम लोगों ने भी एक टीम बनाई है कि गेट टुगेदर करके अच्छे से इसको प्रमोट करेंगे, दिल से अपने बच्चे की तरह हम लोगों ने इसको बनाया गाने को, हम इसके मॉम डैड हैं बच्चे के, तो बहुत प्यार से इसको प्रमोट कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, और पाठ पूजा वाले लोग हैं तो गाना हिट होगा ही होगा, ऑडियंस ने पहले भी प्यार दिया अभी भी देगी और देना ही चाहिए उनको, आई लव यू। अरे मैं उत्तराखंड से हूँ, कोटद्वार मेरा गांव है, तो मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैंने अपना जो जर्नी स्टार्ट की थी एक्टिंग में एज एन थिएटर किया था मैंने उत्तराखंड में, तन्वी मेरा ग्रुप था वहाँ से मैंने शुरू किया था, उसके बाद धीरे धीरे मैं फिर दिल्ली में आई, फिर मैंने मुंबई में भी थिएटर शुरू किया, और अभी लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा थिएटर स्टॉप हो गया है, थिएटर के बहुत सारी चीज़ें स्टॉप हो गई है, बट अभी फिर मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, मैं कैटलॉग शोज़ फैशन शोज़ ये सारी चीज़ें भी करती हूँ, और एक्टिंग में भी आप देख ही रहे हैं। बारिश के बारे में, बारिश सबसे पहले तो बारिश सुन के ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब यहाँ मुंबई में भी जब फर्स्ट अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो बहुत मतलब अंदर से खुशी मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बोला मैं नेचर के बहुत क्लोज हूँ, तो बारिश भी उसमें से एक ही चीज़ है, तो मुझे एक अंदर से मतलब ये सारी चीज़ें नेचुरल, चाहे वो ग्रीनरी हो, फ्रूट्स के पेड़ हो या ऐसे बारिश हो, तो मुझे अंदर से देखते ही बहुत खुशी मिलती है, एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है, और मैं बहुत बिलीव करती हूँ पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव वाइब्स में, तो बारिश एक शब्द है जो सुन के ही सबके मुंह पे एक स्माइल ले आती है, और सबको मन करता है कि वो बारिश में भीगें और चाय पिएं, पकौड़े खाएं, बातें करें, बहुत सारी चीज़ें, मूवीज़ देखें, तो बारिश तो यही मेरे को माइंड आता है। वैसे बारिश का हमारे मेन किरदार जो हैं इस बनके बारिश फिल्म के, नरेन गेड़िया जी, बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत बनाया गाने को, डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो गाना हो, शॉर्ट फिल्म हो, ऐड हो,
तो उन्होंने बहुत जान लगाई है इसमें और बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद लिरिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आनंद सिंह जी ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लिरिक्स हैं वो। आप गाना ऑडियो सुन चुके हैं और वीडियो देखेंगे तो और भी पता चलेगा आपको उसके बारे में। अल्ताफ जी नाम ही काफ़ी है, इन्होंने म्यूज़िक दिया है और सिंगिंग की है, बहुत ही फैबुलस करा है इसको। निकिता डोबरियाल जी हमारी को एक्टर हैं, वेरी टैलेंटेड, और मैं हीरो हूँ बोल देता हूँ मैं इस सॉन्ग। और ये प्रोडक्शन हाउस है जेआरडी मोशन, ये हमारा है। तो एनजीएफ और जेआरडी मोशन ने कोलैब करके ये गाना जो है प्रोड्यूस किया है, एसोसिएट ये ब्राइट के साथ है, ब्राइट मीडिया आउटडोर के साथ। तो ये हमारी टीम है, और जाने से पहले अल्ताफ जी बन के बारिश की दो लाइन आपको जरूर सुनाएंगे। हाँ, और एक बात बोलना चाहूँगा, ये सॉन्ग रिलीज होगा सॉन्ग्स बास्केट पे, सॉन्ग्स बास्केट जो म्यूजिक चैनल है यूट्यूब पे, आप उसको देखिएगा, ये सॉन्ग देखिएगा, लाइक कीजिएगा और लिंक शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके उतना इस सॉन्ग के रील्स बनाइएगा और पूरे फैमिली अपने दोस्तों में जहाँ जहाँ को शेयर करना आप चाहते हैं आप शेयर कीजिएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और इट्स फॉर जनरल मास ऑडियंस के लिए सॉन्ग है, सबको ये सॉन्ग पसंद आएगा। इसकी दो लाइन सुनाता हूँ, और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आनंद जी को फॉर राइटिंग सो ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छे लिरिक्स है, बहुत कैची और बहुत सिंपल अल्फाजों में बहुत ही बहुत कुछ बताया है उन्होंने। धूप की तुम हो रोशनी, मुझ पे थोड़ा बिखरो ना, मेरे दिल की इन गलियों से तुम एक दफा गुजरो ना, नजरों से औरों की बचा कर दूर ले जाना है कहीं, तुमको अपने दिल में छुपा कर हमको छुप जाना है कहीं, है इतनी सी गुजारिश मुझ पे नजर करम कर दो ना, बन के बारिश तुम एक दिन मुझ पे जम के बरसो ना, बन के बारिश तुम एक दिन मुझ पे जम के बरसो ना। Thank you.